नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक भूषण सिंह हूं। मैं गोंडा जिले से सिटी का एमएलए हूं। उत्तर प्रदेश स्टेट है मेरा, और ये कोरोना का दूसरा वेव चल रहा है। जब कोरोना का पहला वेव चल रहा था तब मैं रिपोर्ट मैंने बनाई थी जो हमारे शासन द्वारा प्रिपेयर की गई थी, मैंने उसको साझा किया था। और आज आप सबके सामने कोविड 19 की प्रबंधन की जो जनपद गोंडा की रिपोर्ट है मैं उसको साझा करना चाहता हूँ, और जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, और मैं इस पूरी पीडीएफ को अपने इस स्पीच के साथ अटैच भी करने जा रहा हूं। हम लोग अगर शुरू करें तो कोविड वन के टाइम जब ये वेव वन चला था तो उसी समय हम लोगों ने एक कमांड सेंटर की हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी शुरुआत कराई थी, और ये कलेक्ट्रेट में ये ऑपरेशन रहा है, और इसका फंक्शनिंग थोड़ा सा हम लोग अभी आगे चर्चा भी करते रहेंगे। जो कोविड कमांड सेंटर है वो लगातार बैठता है, और मरीजों को फ़ोन करना, डॉक्टरों से संपर्क रखना, और छोटी बड़ी दिक्कत जैसे सैनिटाइजेशन, दवाइयाँ और इलाजों के बारे में लगातार चर्चा करते हैं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं काफ़ी संतोषजनक इस पर एक आशावादी हूँ मैं, और मैं काफ़ी इसको अच्छा देखता हूँ। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो फेज़ वन था वो तो वेव वन के टाइम था, अभी वेव टू में हम लोग गोंडा ज़िले में लगभग 18 टाइम्स ज़्यादा हम लोग टेस्टिंग कर चुके हैं। ये आप एक फिगर देख रहे हैं मेरे सामने, तो ये फिगर जो टोटल है इसका आगे आंकड़ा आपको देखने मिलेगा। फिलहाल 18 टाइम्स हम लोगों ने ज़्यादा टेस्टिंग की है। अभी जैसा कोविड के पीक के बारे में बात करें तो देश का तो आंकड़ा अभी तमाम मेडिकल एक्सपर्ट्स द्वारा बताया जा रहा है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि गोंडा में देखिए, हमारे ज़िले की आबादी 42 लाख है, तो 42 लाख की इस आबादी के इस ज़िले में 30 अप्रैल को, ये जो आप बीच में अभी एरो देख रहे हैं, 30 अप्रैल को हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा केस देखे गए थे। लगभग 2161 केस देखने को हम लोग को मिले थे, और उसके बाद लगातार ये आंकड़ों में कमी आई है। तो ये कह सकते हैं कि कम से कम गोंडा ज़िले में ये पीक जो है अब ख़त्म हो चुकी है, और फिर भी इससे लड़ाई जारी है और काफ़ी संतोषजनक जारी भी है। अभी कोविड 19 का जो प्रबंधन का विवरण है वो आप सबके सामने हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि लगभग टेस्टिंग हम लोगों ने ये 4500 तक की है, और ये अभी लेटेस्ट आंकड़े हैं। ये कोविड 19 मैनेजमेंट के लिए ये कोविड हॉस्पिटल्स की सूची का एक आंकड़ा आप लोग के सामने है। डोर टू डोर सर्वेलेंस, जिसमें नगरीय वार्डों की संख्या हम लोग के यहाँ 122 है, यानी कि जिले में लगभग जितनी नगर पालिकाएँ हैं सबसे 122 लोग जगह डोर टू डोर ये कैंपेन्स चल रहे हैं। डोर टू डोर ग्रामीण क्षेत्रों में जो चल रहा है उनकी संख्या लगभग 1336 है। प्रतिदिन हाउस होल्ड स्क्रीनिंग की संख्या जो हो रही है वो 10842 है, और कोविड कमांड सेंटर लगातार इसको कलेक्ट्रेट के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सहयोग से इसको लगातार इसको मॉनिटर कर रहा है, और प्रतिदिन स्क्रीनिंग किए गए व्यक्तियों की संख्या भी लगभग 48465 है, और ये वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है। डोर टू डोर सर्वेलेंस की टीम का आप यहाँ पर प्रोग्रेस देख रहे हैं। ये टीम सर्वेलेंस टीम में आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का ये आप फोटोज़ देख रहे हैं, ये दोनों जो आपकी स्क्रीन के सामने हैं। सैंपल से संबंधित रिपोर्ट जो मार्च 2020 से दिनांक 16 मई 2021 तक, यानी कि कल तक की है, जिसमें कुल टेस्ट RT-PCR के अभी तक 232,199 हो चुके हैं, जिसमें पॉजिटिव अभी भी केस हैं वो लगभग 6993 हैं, जिसका पॉजिटिविटी रेट लगभग 3.1 है। कुल टेस्ट एंटीजन से जो हुए हैं उसकी सूची है, नीचे तीन नंबर पे ये कुल टेस्ट जो ट्रू नॉट से हुए हैं उसकी सूची है। ये टोटल संख्या अगर देखी जाए तो हम लोगों ने जो टेस्टिंग की है जो गोंडा जिला में वो लगभग 5 लाख के करीब की है, 5,118,000 के करीब है, और जिसका पॉजिटिविटी केस आज 11,595 है, और जिसका प्रतिशत में देखा जाए तो पॉजिटिविटी प्रतिशत 2.31 है। हमारे सैंपल से संबंधित जो रिपोर्ट आई है जो दिनांक 14 से लेकर 16 मई तक 2 दिन का आपको ये डेटा देखने को ये सैंपल में हम लोग दिखा रहे हैं कि ये 14 को 2324 टेस्टिंग हुई है जिसमें 70 केस आए हैं, 3 की पॉजिटिविटी परसेंट है, और उसमें टोटल योग हम जो अभी 3 दिन में केसेस में देख रहे हैं ये 6111 है, पॉजिटिव केस 259 है, 4.224 की ये पॉजिटिविटी परसेंट है, पर अभी अगर
एवरेज अगर गोंडा का देखा जाए तो आप 2.31 ही कहेंगे। कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है जैसा कि सब लोग जानते हैं, और इसमें लगातार संख्या हम इसका अपने यहाँ डेटा बना रहे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे यहाँ की टीम लगातार इसको भेज रही है, जिसके हिसाब से लगभग कुल डिस्चार्ज जो मरीज हुए हैं वो 1596 के करीब ठीक हुए हैं, घर गए हैं। कुल सक्रिय पॉजिटिव केस अभी 1012 है। ये कुल एक्टिव होम आइसोलेशन 734 है, कुल ओवर होम आइसोलेशन 8866 है, और कुल मृतक 186 है। ये अभी तक दिनांक 1 मार्च से अभी तक का ये सूची है। ये आप मेरे सामने जो गोंडा डिस्ट्रिक्ट का ये मैप देख रहे हैं, अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे जो मेरा ये जो नवाबगंज का जो एरिया है जो अयोध्या बॉर्डर से लगता है, वहाँ 328 देख रहे हैं, तरफगंज 279 है, ये परसपुर 718 है, करनेलगंज 744 है। पर सबसे ज़्यादा केस जो ये बीच में जो जहाँ रेड डॉट है ये झंझरी है, और झंझरी क्योंकि शहर का हिस्सा है, और जहाँ जहाँ भी जैसे करनेलगंज है यहाँ पर घनी शहर की आबादी है, परसपुर भी एक नगर पालिका है यहाँ पर भी घनी आबादी है, तो जहाँ आबादी घनी है जहाँ शहरी वातावरण ज़्यादा है वहाँ पर केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और ये अभी लेटेस्ट डेटा है, अभी झंझरी का लगभग 1000 एक्टिव केस है, जो कि गोंडा सिटी का एरिया जो है। ये RRT टीम का भ्रमण का ये कुछ फोटोज़ हम लोगों ने वॉलंटियर्स का यहाँ पर साझा किया है। जनपद गोंडा में टीम का जो भ्रमण है वो 98% तक हो चुका है, और जो आयुष कवच तथा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड का जो प्रतिशत रहा है, यानी कि जो ये आरोग्य सेतु डाउनलोड में भी हमारे गोंडा की आबादी में 83% लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये RRT टीम का भ्रमण का डेटा है, ये आप सबके सामने है, इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। घनात्मक पाए गए रोगी के निवास पर तत्काल भ्रमण करना तथा आयुष कवच तथा आरोग्य सेतु ये ऐप्स वगैरह डाउनलोड कराए जाते हैं, और रोगी के स्वास्थ्य का परीक्षण, रोगी के निवास का निरीक्षण, होम आइसोलेशन हेतु रोगी के योग्यता का निर्धारण तथा मेडिकल किट की उपलब्धता, मतलब देखा जाता है होम आइसोलेशन करना है तो उनके पास अटैच टॉयलेट्स हैं कि नहीं, उनके बेडरूम में और किचन है कि नहीं, ये टीम जाकर जहाँ जहाँ गठन की है वहाँ ये जाकर इंश्योर करती है, और जहाँ और बाकी कोविड कमांड सेंटर ये फ़ोन से उनसे लगातार इसके अलावा भी बात करता रहता है। आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक औषधियों का वितरण, जैसे एलोपैथी के अलावा आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी की जो दवाइयाँ हैं ये इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत काम आती हैं, तो हमारी उत्तर प्रदेश शासन ने इसके लिए भी ऑर्डर दिया कि जितने भी इनके संबंधित डॉक्टर्स हैं वो भी किट बनावें और अपने हिसाब से जागरूकता फैलाएं। बहुत सारी हम और आप डेली में बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाएं खाते हैं जिससे इम्यूनिटी मजबूत रहे, तो उसका ये विवरण आपके सामने है कि आयुर्वेदिक किट का वितरण कितना हुआ है, यूनानी किट का वितरण कितना हुआ है। ये टिल डेट ये लोग भी, इनके भी जो कर्मचारी बंधु हैं कोरोना वॉरियर्स के रूप में, ये भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। ये RRT द्वारा प्रतिदिन मेडिकल किट का वितरण किया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन ये मान रहा है कि अगर गांव-गांव में दवाइयां टाइम से पहुंच गई तो केसेस को क्रिटिकल होने से बचाया जा सकता है, और इससे जागरूकता भी फैलाने का ये हमारी RRT का काम कर रही है। और ये नीचे आपको कुछ स्लाइड्स साझा कर रहा हूँ, होम आइसोलेशन के इसके अलावा ये प्रोटोकॉल है, ये जो यहाँ से जाता है ये भी आपको डेटा दिया रखा है। होम आइसोलेशन की गतिविधियों का ये आपके सामने स्लाइड चल रहा है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बैकअप टीम हमारे इसका डेटा मैं आपके सामने कर रहा हूँ, जिसमें कुल पॉजिटिव केस की संख्या 1822 है, कुल ट्रेस्ड पॉजिटिव केस की संख्या 1787 है, प्रतिशत में 98% है, और हम ट्रेसिंग की व्यवस्था कहना चाहते हैं कि हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये 100% रहे, पर 1-2% का जो गुंजाइश है उसको भी हमारी व्यवस्था इसको बहुत जल्दी इसको पूरा कर लेगी, और अच्छा काम कर रही है, और कहीं भी कोई मरीज अनअटेंडेड नहीं है, सब लोग ट्रेस में हैं, और सबसे लगातार बातचीत हमारी ये कोविड कमांड सेंटर लगातार कर रहा है। और ये एक आपके सामने टेलीफोनिक ट्रांसक्रिप्ट है कि जब कोविड कमांड सेंटर से जब फ़ोन जाता है तो वो क्या बात करते हैं, वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं जिला अधिकारी गोंडा कार्यालय से बोल रहा हूँ, और फिर मरीज से बात करते हैं। ये एक पूरा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, और जो उनसे बात करते हैं, डेटा लेते हैं, उसके हिसाब से वो आगे
की कार्रवाई करते हैं। टेलीफोनिक ट्रांसक्रिप्ट है जो हमारे यहाँ प्रिपेयर की गई है। एम्बुलेंस की सेवा भी आप कह सकते हैं कि गोंडा में बहुत अच्छी चल रही है। हमारे यहाँ लगभग 19 एम्बुलेंस है और 2 लाइफ सपोर्ट की भी व्यवस्था है जो डेडिकेटेड कोविड को दी गई है। टोटल 21 एम्बुलेंस काम कर रही हैं और ये जो इनके ड्राइवर्स हैं और जो इसमें स्टाफ हैं वो 8-8 घंटे के शिफ्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो 21 एम्बुलेंस 24 घंटे चल रही हैं और स्टाफ अपना रेस्ट और वर्किंग का वो लेकर लगातार मेहनत कर रहे हैं। ये 2 फोटोज़ मैंने साझा की हैं आपके सामने, एक में लाइफ सपोर्ट है और एक नॉर्मल एम्बुलेंस है। ये L2 और L1 कोविड केयर हॉस्पिटल्स की सूची हमारी यहाँ दी हुई है और ये जिसमें एक नंबर पे गुनाज हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर नवाबगंज गोंडा है, इसमें SCPM है मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल हारीपुर गोंडा है, एक ये कोविड चिकित्सालय गोंडा है, ये L2 है। तो ये जो लगातार बेड्स की संख्या है इसमें दी गई है और हम लोग कोविड कमांड सेंटर के थ्रू कहाँ कितने बेड्स अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन बेड्स कितने हैं, नॉन कोविड बेड्स कितने हैं, इसकी भी सूची हम लगातार अपने कोविड कमांड सेंटर के थ्रू लोगों को मुहैया करा रहे हैं। और ये सारी सूची है जिसमें 11 हॉस्पिटल्स की सूची आपके सामने दी गई है L2 और L1 की, जिसमें लगभग बेडों की संख्या 720 है कुल भर्ती। ये कोविड के बेड्स हैं, कोविड के लिए डेडिकेटेड बेड्स हैं और कुल मरीज इसमें 167 भर्ती हैं। ये अभी लेटेस्ट है, आंकड़े काफ़ी घटे हैं और अभी भी हमारे पास 553 बेड हैं जो शेष हैं। और इस समय मैं कह सकता हूं कि ऑक्सीजन और बेड्स की कमी गोंडा में नहीं है। अभी हमारे यहां 553 जो लेटेस्ट डेटा है, अभी आज सवेरे तक का अपडेट, इतने बेड्स अभी हमारे पास तत्काल में अवेलेबल हैं। ये L1 और L2 के कुछ हॉस्पिटल्स की फ़ोटो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। ये सुंदर सुंदर ये 4 हमारे पास हॉस्पिटल की बिल्डिंग है और इसमें लगातार मरीजों का इलाज चल रहा है और काफ़ी, क्योंकि प्राइवेट लोगों ने जब अपना ये बीड़ा उठाया तो गवर्नमेंट के साथ मिलकर अच्छा काम चल रहा है। ये L1 और L2 अस्पताल का भी फ़ोटो, ये लगातार और कैंपसेस का है। ये स्वामी नारायण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये छपिया का फ़ोटो है लेफ्ट में सबसे नीचे और अगली साइड पर चलें। ये L2 का गोंडा का अस्पताल है, L2 कोविड हॉस्पिटल, और इसमें ये बाईपैप और वेंटिलेटर्स की फ़ोटो साथ में आप देख सकते हैं। और ये 180 बेड की फैसिलिटी है और आज हम लोग यहाँ पर गए भी थे, लगातार ये ऑपरेशनल है। इस हॉस्पिटल की वजह से कोविड की लड़ाई में बहुत मदद मिली हम लोग को। ये हम लोगों ने इसके अलावा जो कोविड कमांड सेंटर के अलावा हमारे गोंडा के प्रशासन ने धर्म गुरुओं और IMA के साथ समन्वय बनाने की कोशिश की और मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि सभी लोगों का, सभी धर्म का और सभी पंथ और संप्रदाय के जो गुरुजन हैं इनका काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है। जैसे इसमें हम लोग काम आते हैं कि वैक्सीनेशन के लिए अगर प्रेरित करें तो लोग दब रहे हैं, तो उसमें धर्म गुरु को लगाते हैं कि आप इसके बारे में कहिए, या कोई जैसे किसी वैक्सीनेशन के अलावा जैसे कोई ट्रीटमेंट के बारे में कोई डाउट है तो उनसे फ़ोन कराते हैं। हम लोगों ने लगातार उनसे समन्वय बनाया है, उनसे मिलते हैं और उनको प्रेरित करते हैं, उनको लिस्ट देते हैं कि इनसे इनसे आपको बात करनी चाहिए। तो ये काम लगातार चल रहा है और हम लोग ये इसका काफ़ी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। आगे आप फोटो में देखेंगे धर्म गुरुओं के साथ ये लगातार हमारे यहाँ के DM साहब बैठक करते हैं और एक ये उनकी ग्रुप फोटो है। एक IMA के साथ ये बैठक, हमारे यहाँ के CDO महोदय की फ़ोटो है, ये बैठक की फ़ोटो है और इसमें जो उनको निर्देश हैं, जो उनसे रिक्वेस्ट हैं वो की जा रही हैं और लोग अच्छा काम कर रहे हैं। नॉन कोविड हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है ये कि नॉन कोविड हॉस्पिटल में पाए गए घनात्मक कोविड मरीजों को CMO DSO को सूचित करते हेतु रोगी के स्थिति के अनुसार L1, L2, L3 कोविड हॉस्पिटल में रेफर किया जाए। तो एक ये प्रोटोकॉल है और जो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं वो भी ऑपरेशनल हैं। काफ़ी सारे हॉस्पिटलों में OPD चल रही है क्योंकि जैसे गोंडा बड़ा जिला है, केवल कोविड ही बीमारी नहीं है, अगर TB देखा जाए तो लगभग 1500 एक्टिव केस TB के भी हैं। तो लगातार छोटी बड़ी बीमारी, घुटने में दर्द, सर में दर्द, इसका भी इलाज चल रहा है। और इसमें अगर कोई मरीज पाते हैं कि इसको कोविड के लक्षण हैं, नहीं ये निमोनिया के नहीं है, नहीं ये TB के नहीं है, तो L1, L2, L3 के हिसाब से उनको तुरंत रेफर बनाया जाता है और यहाँ पर उसकी व्यवस्था की जाती है। ग्राम और मोहल्ला में निगरानी समिति का जो स्थिति है कि अभी जैसे ग्राम पंचायत मोहल्ला स्तर पर गठित निगरानी समिति, ग्राम प्रधान, आशा सचिव, ग्राम रोजगार सेवक, सफाई कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, युवक मंगल दल, कोटेदार और उचित कर विक्रेता और लेखपाल, इतने लोगों की टीम बनाई गई है जो निगरानी समिति में है और ये आपस में मीटिंग करते हैं और इनकी रिपोर्ट ऊपर ब्लॉक भेजता है
और ये ब्लॉक को भेजते हैं और ब्लॉक जो है कलेक्ट्रेट भेजता है। फिलहाल जैसे जनपद स्तर पर ग्राम और मोहल्ला निगरानी समिति से डायरेक्ट बातचीत हम लोग करते हैं। शहर में सभासद लोग इसमें होते हैं और गांव में ग्राम प्रधान होते हैं, पर क्योंकि ग्राम प्रधान अभी जस्ट हमारे यहाँ इलेक्शंस हुए हैं, लोग चुन के नहीं आए हैं, तो उनके जगह सेक्रेटरी इस काम को कर रहे हैं और लोग आपस में समन्वय बनाकर इसको काम कर रहे हैं। ग्राम निगरानी समिति की एक बैठक की एक फ़ोटो साझा कर रहे हैं आपके सामने। ये ग्रामीण सैनिटाइजेशन अभियान का फोटो है, जिसमें लेफ्ट में प्राथमिक विद्यालय तरबगंज की फोटो है, सैनिटाइजेशन हो रहा है। इसमें बीच में विकासखंड त्याथोक का फोटो है और ये विकासखंड रुपये डी का फोटो है जहाँ सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है और पर डे सैनिटाइजेशन एक पर्टिकुलर एरिया में कराया जाता है और उसकी फोटोग्राफ्स साथ में साझा की जाती हैं। शहरी सैनिटाइजेशन अभियान का ये फोटो है, ये चौक बाजार गोंडा शहर का ये लेफ्ट में फोटो है, बीच में मोहल्ला राधाकुंड है और सबसे दाहिनी तरफ जो तीसरी फोटो है ये मोहल्ला मालवीय नगर है और यहाँ के सभासदों के साथ मिलकर लगातार ये सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिलहाल रेलवे स्टेशन पे भी कभी अगर कोई मूवमेंट रहता है तो सैनिटाइजेशन उसको बहुत तेज़ कराया जा रहा है। रेलवे स्टेशन की कुछ ये शॉट्स आप लोग देख सकते हैं। ये कोविड 19 टीकाकरण अभियान ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो लगभग 5000 लोगों को आज टारगेट बताया गया है कि लगभग 5000 लोगों को 18 से 45 साल के लोगों को हम लोग कोविड का कोविशील्ड और कोवैक्सीन का डोज लगवा रहे हैं। आज हमारे सामने है ये मेरे सामने जो डेटा है ये फिलहाल डेटा 45 साल से ऊपर वालों के लिए है, जो 18 साल वाला है वो भी अभी आने वाले दिनों में साझा किया जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो मैं सीधे अगर परसों का देखूं तो 2118 लोगों को डोज लगी हैं और ये 45 से ऊपर वाले हैं और अब ये आंकड़ों में तेज़ी से परिवर्तन आया क्योंकि नौजवानों को बहुत ज़्यादा उत्साह भी है। ये टीकाकरण अभियान के बारे में ये 16 जनवरी से इसकी शुरुआत हो गई थी और काफ़ी वैक्सीन की क्राइसिस रही है, काफ़ी वैक्सीन की समझिए कि शॉर्टेज रही है, गोंडा में पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो जाता था, पर अभी पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन अवेलेबल है और बहुत ज़ोरदार अभियान चल रहा है और बहुत जल्दी हम एक अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अतिरिक्त वैक्सीन को खरीदने की व्यवस्था की है, तो कुछ दिन में हम धीरे धीरे सबको लगवाते भी जा रहे हैं और क्राइसिस बिल्कुल नहीं है, अभी स्थिति एकदम कंट्रोल में चल रही है धीरे धीरे। ये हेल्थ केयर वर्कर का ये डिटेल है कि आशा बहू, आंगनबाड़ी व अन्य टीकाकरण का फेज कैसे हमारे ज़िले में चलाया गया। हमारे यहाँ तीन ग्रुप में बांटा गया, एक 18 प्लस ग्रुप का है, एक 45 प्लस का ग्रुप है, एक 60 प्लस का ग्रुप है और एक हेल्थ केयर वर्कर का बनाया गया, ये फ्रंट लाइन वर्कर का बनाया गया जिसमें पुलिसकर्मी, PRD के जवान और परिवहन के कर्मी हैं। टीकाकरण का यह विवरण है, ये HCW मतलब हेल्थ केयर वर्कर्स, तो हेल्थ केयर वर्कर्स में ये आप देख सकते हैं कि लगभग 14,348 लगा है और 60 साल से ऊपर वालों का भी ये टारगेट 87,838 का है जिसमें 69,000 का टारगेट पूरा हुआ है और ये सेकंड डोज का भी अभी टाइम पे हो जाना चाहिए। अभी जो आप ये नीचे फिगर देख रहे हैं ये 18 प्लस वाला, तो 18 प्लस वाला भी क्योंकि आज से ये शुरू हुआ है तो डेली ये भी 5,000 के करीब ये डेली बढ़ेगा, तो ये अगर ये कल का होता तो इसमें 18 प्लस वाला भी डेटा आपको बढ़ा मिलता। ये सृजित संसाधन है। अब मैं आपको जरा डिटेल में बता दूं कि हमारे पास कोविड के फेज टू में हमारे पास आज की डेट में क्या स्थिति है। हमारे यहाँ 720 नए बेड हैं जिसमें लगभग 580 अभी हमारे पास अवेलेबल हैं, 275 नए ऑक्सीजन के सिलेंडर हमारे पास अभी रिजर्व में रखे हैं, अभी हमने 11 हॉस्पिटल कोविड के नए बनाए हैं, 91 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर हमारे पास अभी अतिरिक्त आ गए हैं और वो सब जगह चले भी गए हैं और भी हमारी केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट ने और बहुत सारे बायपैप और कंसेंट्रेटर्स भेजे हैं और अभी क्योंकि हमारे यहाँ उतनी दिक्कत नहीं चल रही तो ठीक ठाक चल रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शंस की भी हमारे पास पर्याप्त अवेलेबिलिटी है और इसलिए पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है और हमारे पास जो RT-PCR और जो ट्रू नेट के लैब्स हैं वो भी दो हैं और इनका टेस्टिंग टाइम भी मानक के हिसाब से एकदम संतोषजनक चल रहा है। जनपद में किया जा रहे अभिनव प्रयास का ये कुछ डेटा आपके सामने है जिसमें कोविड कंसल्टेंट पैनल, हार्ट कंसल्टेंट पैनल, मेडिकल कंसल्टेंट पैनल का गठन किया गया है।
हमारे यहाँ अभी हम लोग लगातार के पैनल्स बना रहे हैं और सब लोग नीचे उनसे, जैसे डॉक्टर्स से, नर्सेस से संपर्क कर रहे हैं, सबके बारे में जान रहे हैं कि वो कहाँ काम कर रही हैं, और उनको जैसे अगर कोई घर बैठा है तो उनको इनवाइट किया जा रहा है कि आप आके सरकारी L1 या L2 में अपना समय दें। तो इसलिए लगातार इनसे बात हो रही है, पैनल बनाकर गठन हो रहा है, सबसे बातचीत कर रहे हैं, और जनपद स्तर में भी हो रहा है और मंडल स्तर के अधिकारी भी इस काम को लगे हैं। ये जनपद में किए जा रहे अभिनव प्रयास का एक ये आगे का सूची है, ये PDF में आप इसको पढ़ सकते हैं। ये इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि CCTV कैमरा हमारे यहाँ कोविड हॉस्पिटल में जो यहाँ पर गोंडा बना है उससे उसकी निगरानी भी की जा रही है। लगातार मांग आती थी कि हॉस्पिटल्स में कैमरा लगाया जाए, तो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें तो कैमरा लगा ही है, साथ में जो कोविड हॉस्पिटल है उसके भी गैलरी में कैमरा लगा है। और ये जो लेफ्ट में आप एक सैंपल देख सकते हैं, ये उनकी गैलरी का डिस्प्ले है, और प्राइवेसी को ना हो इसलिए वार्ड्स के अंदर नहीं लगाए हैं, पर गैलरी का हम लोग स्थिति यहाँ से देखते हैं। उसमें कोने कोने पे उसकी निगरानी की जाती है, और ये कंट्रोल कोविड कंट्रोल रूम में इसका मेन सेंटर बनाया गया है। ये कोविड चिकित्सालय जिला चिकित्सालय में लंच पैकेट का वितरण लगातार कई अच्छे अच्छे लोगों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कई सारे NGOs हैं और सरकारी भी तंत्रों से इसमें सहयोग मिल रहा है। ऑक्सीजन प्लांट का प्रबंधन, कोविड का जब ये दूसरा फेज आया तो सबसे बड़ा संकट समझ आया कि अचानक से ऑक्सीजन प्लांट की हमको कमी लगने लग गई। इससे पहले जिले में कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ा, और इसके पहले जो सिलेंडर्स हमारे यहाँ आते थे ऑक्सीजन के, वो मेडिकल ऑक्सीजन नहीं आते थे, वो गैस कटर्स आते थे जिससे वेल्डिंग और इसका लोहे का काम होता था, और इसके अलावा ये कुछ फैक्ट्रीज में काम आता था। मतलब कहिए कि मेडिकल ऑक्सीजन 93% प्योरीफिकेशन वाला हमारे ज़िले में क्या 1.5 करोड़ की आबादी वाले ये 4 जिले में नहीं आता था, मंडल में नहीं आता था। फिर भी जब क्राइसिस पड़ी तो लगातार ऑक्सीजन के बेड्स का व्यवस्था तो सिलेंडर से चलाया, और हमारे यहाँ के सभी विधायक गणों ने और दोनों सांसदों ने अपनी अपनी निधि से इसमें पैसा दिया है, और हमारे यहाँ कई सारे ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण हो रहा है। अगर ये डेटा पढ़ें तो लगभग SDRF फंड द्वारा 180 बेड के जनपद मुख्यालय के कोविड L2 रात के चिकित्सालय में एक ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कराया गया, और एक चल रहा है और एक प्रस्तावित हुआ है, और इसमें माननीय विधायक गण के विधायक निधि से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 30-30 बेड हेतु एतिया ठोक, छपिया, वजीरगंज, हलदरमू में एक एक और 4 नए ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है, और ये इसी 2 हफ्ते में ये ऑपरेशनल होने का हम लोग का कोशिश है। और ये CSR फंड से जो शुगर मिल एसोसिएशन द्वारा हमारे यहाँ 30 बेड का फैसिलिटी A2 ऑक्सीजन प्लांट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काजीदेर में लगाया जा रहा है, उसका पाइपिंग वगैरह बहुत तेज़ी से हो रहा है, और अभी भी कोरोना गया नहीं है, अभी कोरोना जाने में भी टाइम है, कोविड जाने में टाइम है, तो अगर ये व्यवस्था हमको मिल जाती है तो ये भविष्य में बहुत छोटी बड़ी बीमारियों में भी काम आने वाली है। कहिए कि मेडिकल सिस्टम हमेशा हमेशा के लिए इससे इम्प्रूव ही हो रहा है। सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट का विवरण, जनपद गोंडा में प्रत्येक विकास खंड में एक जोनल मजिस्ट्रेट, कुल 16 जोनल मजिस्ट्रेट तथा 4 सेक्टर मजिस्ट्रेट, कुल 64 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 16 जोनल मजिस्ट्रेट हैं और सेक्टर 64 है। इस प्रकार गोंडा अर्बन क्षेत्र में उसको 3 हिस्से में बांट दिया गया है, एक जोनल मजिस्ट्रेट तथा 3 सेक्टर मजिस्ट्रेट। गोंडा अर्बन में एक जोनल मजिस्ट्रेट बैठते हैं और 3 सेक्टर मजिस्ट्रेट बैठते हैं, ये गोंडा सिटी के बारे में है। और ये पुलिस विभाग तो लगातार जब से कोविड चल रहा है तब से पुलिस का तो बड़ा इसमें सहयोग हम लोग को मिल रहा है, लॉकडाउन और इसमें इसके लॉकडाउन के लिए और कोविड प्रबंधन के लिए पुलिस का लगातार एक्टिविटी है, जिसमें आप ये 2 भ्रमण का फोटोज देख सकते हैं, जिसमें एक में जागरूक किया जा रहा है और अपना पुलिस अपना अभियान चला रही है, जरूरतमंदों को मास्क का वितरण दिया जा रहा है, केवल वितरण किया जा रहा है। योगी जी चाहते हैं कि केवल जुर्माना ना लगाया जाए, मास्क भी दिया जाए, लोगों को केवल समझाया ना जाए, लोगों को इक्विप भी किया जाए, तो मास्क और सैनिटाइजर भी यूपी पुलिस लगातार बांट रही है। और हमारे यहाँ अभी हाल में ड्रोन से निगरानी भी रखने का व्यवस्था शुरू हुआ है, और जो हॉटस्पॉट जहाँ घोषित हो रहे हैं उस एरिया को ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, ताकि कहीं लापरवाही ना हो।
अभी स्थानीय पुलिस ने लॉकडाउन की कड़ाई के पालन कराने हेतु लगातार फ्लैग मार्चेस किए हैं, और जहां ज़्यादा केसेस आ रहे हैं वहां पर पुलिस अपना बल का यहां प्रदर्शन कर रही है और लोगों को जागरूक कर रही है। ये इतना ही यहां पर स्लाइड में था। और जैसा आप लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग अभी ये फेज़ टू के बारे में जिक्र कर रहे हैं, और गोंडा में लगातार हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले अभी कुछ दिनों में हो सकता है कोविड फेज़ थ्री में भी एंटर करे, पूरे देश में एंटर कर रहा है। और ये जो डबल म्यूटेंट है ये हो सकता है ट्रिपल म्यूटेंट या चार म्यूटेंट इसमें मतलब बढ़ जाए और इसका म्यूटेशन हो जाए। और आगे जो थर्ड वेव के बारे में बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। जब कोविड वन फेज़ वन निपटा तो हम लोग को लगा कि भाई हम लोग का अब सब हो गया, सब लोग रिलैक्स हो गए, पर जब फेज़ टू आया तो आप लोग इसके सामने रिजल्ट देख ही रहे हैं, सब कोई परेशान हो गए थे। पर अब फेज़ टू लगभग ओवर हो चुका है। हमारे यहाँ गोंडा ज़िले में ये पीक भी ओवर हो चुकी है, और पूरे देश में मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी स्थिति समान हो जाएगी। आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 17 मई हो चुका है, और फिलहाल गोंडा ज़िले में स्थिति काफ़ी संतोषजनक दिखाई दे रही है। व्यवस्था के मामले में हम लोग पहले से बहुत बेटर काम कर रहे हैं। मैं एक निवेदन अपने सभी सारे साथियों से कहना चाहता हूँ कि जब भी जैसे लोगों को स्टेटमेंट्स देने का बहुत शौक है, और हम लोग कहते हैं कि सब व्यवस्था ठप हो चुकी है, व्यवस्था ठप नहीं हुई है, व्यवस्था पे बहुत लोड हो चुका है। अंग्रेजी में कहते हैं ओवरवेल्ड हो चुका है, मतलब बहुत लोड है आप, ये व्यवस्था चल रही है, और कोई भी स्टाफ नर्स कोई भी डॉक्टर घर पे नहीं बैठा है। अगर आपके कोई भी दोस्त पैरामेडिकल का सर्टिफिकेट लेके बैठा है तो उसको फ़ोन करिए, वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है। कोई आपका डॉक्टर अगर दोस्त है, परिचित है, रिश्तेदार है, अगर वो संक्रमित भी हुआ है तो पलट कर 10 दिन 12 दिन बाद वो जॉब पर गया है। कोई भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे जो लोग भी हों, सब लोग अपना सहयोग दे रहे हैं। बहुत लोगों का नुकसान भी हुआ है, पर लोग हिम्मत बनाए हुए हैं। मैं उन सब की हिम्मत की मैं दाद देता हूं, और ईश्वर उनका उनके इस अच्छे कर्म का एहसान उन लोग को जरूर दे। ये उन सब के प्रयासों से ये सदियों में एक बार आने वाला पैंडेमिक हम लोग देख रहे हैं, और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि 2 साल रह जाएगा। और अभी जो आंकड़े मेरे सामने लगातार आ रहे हैं, जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारे जर्नल्स को पढ़ रहे हैं, लग रहा है कि अभी कुछ दिन और कोरोना हम लोग को परेशान करेगा। फिर भी जैसे अभी आने वाली स्थिति के लिए गोंडा जिला और उत्तर प्रदेश का प्रशासन योगी जी के नेतृत्व में इससे लड़ने के लिए तैयार है, और बिल्कुल हम लोग कोरोना को कोविड महामारी के खिलाफ एक अच्छे प्रबंधन से और बेहतर व्यवस्था देकर हम लोग डोर टू डोर लोगों को बचा कर हम ये यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और बिल्कुल मेरा ये मानना है कि स्थिति बहुत गंभीर है, पर इस बात को भी तो झुठलाया नहीं जा सकता कि जब हम इससे बाहर निकलेंगे तो हम बहुत मजबूत होंगे। हमारे पास नए अवसर हैं, नई चुनौतियों और नई ऊंचाइयों को पाने के लिए। तो आइए हम सब संकल्प लें कि अपने सभी दोस्तों को वैक्सीनेशन लगवाएं। आप देखिए अमेरिका बहुत शोर कर रहा है, छोटे छोटे बड़े बड़े देश बहुत शोर कर रहे हैं कि हम कोविड फ्री हैं। आंकड़ा देखिए तो उन्होंने एक सर्टेन पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन लगवा लिया है, और पूरा देश जो है कोरोना से फ्री हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी ही हम लोग भी इस लक्ष्य को यहाँ पूर्ण करें, और बिना मास्क रहना और लोगों से हाथ मिलाना और गले मिलने का दिन जल्दी से लोगों को देखने को मिले, इन्हीं सब सपनों को संजोए हुए। और बड़े आशा से आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबको धन्यवाद करता हूँ। और ये जो मेरी स्लाइड है, जो प्रेजेंटेशन है, ये मैं अभी इसमें अपलोड करके इसमें डाल दूंगा। कभी भविष्य में जब 20-30 साल बाद भी कभी अगर कोरोना के बारे में जानना होगा तो ये फाइल आप लोग को काम आएगी। और हमारा ज़िले ने इस महामारी में क्या तैयारी की है, हमारे यहाँ लोगों ने कितनी मेहनत की है, उसका ये लेखा जोखा है ये जो आप सबके सामने रख रहा हूँ। आप सबको धन्यवाद है, और सभी कोरोना वॉरियर्स को मैं नमन करता हूँ, और हिम्मत रखने की और उनके फैमिली मेम्बर्स जो कोरोना वॉरियर्स के फैमिली मेम्बर्स हैं उनको मैं बहुत दाद देता हूँ कि आप बड़ी हिम्मत कर रहे हैं कि अपने फैमिली मेम्बर्स को लगातार इसमें सेवा के लिए भेज रहे हैं। और जिनका भी कोविड से नुकसान हुआ है, मेरा उन सब के साथ मेरा मन है, मेरा हृदय है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।